अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। अच्छा, आज पहला रमज़ान मतलब पहला रोज़ा तो हम रखे निकले हैं अभी खोल के निकले हैं, अफ्तार करके निकले हैं। आज का दिन वैसे ठीक था, आज का रोज़ा बिल्कुल नहीं लगा, संडे था शायद, तब घर लगना भी नहीं था सारा दिन, रेस्ट मारी पूरा दिन आज हम घर में थे। तो कल वैसे सही अंदाज़ा होगा, वैसे गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा, मैं तो आज निकली नहीं हूँ। बाहर थी अभी गर्मी? नहीं, इतनी गर्मी नहीं थी आज। आज का रोज़ा ठीक रहा है, मतलब ऐसे कमो बेश आखिर टाइम पे थोड़ा बहुत जो लगा लगा, वरना नहीं लगा। इसलिए हम लोग, छोटी बहन ने बैग लेना था, वो बैग अभी हमने मेट्रो पे ट्राई किया, नहीं मिला हमें। अभी स्टाइलो पे चेक करना है। अच्छा, ये स्टाइलो है, और अगर यहाँ से समझो मेट्रो है अगर ये बोन रोड पे अगर ये मिलता है, अगर इसे यहाँ पे, तो हम तब अंदर जाएंगे, अदरवाइज बस वो एक दफ़ा देख के आ जाती है कि उसने जो लेना है उसके मुताबिक है या नहीं है। पता नहीं रमज़ान में क्या टाइमिंग है, अभी बस इतनी रौनक तो नहीं बनी हुई, मतलब लास्ट टाइम जो था ना रमजान चकवाल में काफी ज्यादा ऐसे रौनक से भरा हुआ होता था। अब ये कि कमो बेशी स्टॉल्स वगैरह पे लोगों का रश नजर आ रहा है। अच्छा, फिर फाइनल आपका ये बैग हुआ? हाँ यार, इसका जो ब्राउन टोन थी ना, मुझे बहुत, मतलब मैं तो आके बैठ गई थी गाड़ी में, आज शर्मिंदगी का बायस बनती है छोटी बच्ची हमारे लिए। एक बैग लेना था, तो और इसमें टेक्सचर ही बहुत ज्यादा था, तो बस एक बैग भी खराब थी। मैंने उस दिन तुम्हें बोला था जो 50-50 वाली हम गए थे कि हम छोटी बहन को लेके आएंगे जी, बिल्कुल, मतलब ये इतनी आपके घर में भी अगर कोई बंदा इतना शर्मिंदा आपको करता है ना, तो आप उसको घर से बाहर निकाल दें। एक बैग इसने लेना था, इसने सारे बैग को फरोला है, फिर मतलब वो दुकान बंद करने वाले थे ना यार, बहुत सी चीजें होती हैं बस आपको फील। अच्छा, घर से निकलने से पहले इन्होंने हमें कहा भी मुझे ऐसा बैग चाहिए, मेरे पास इतने बैग हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जिसमें मेरा लैपटॉप नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर आके क्योंकि इनकी राल बाकी बैग्स पे टपक पड़ी है जो छोटे थे, इन्होंने हम नई स्टेटमेंट अपनी दी है कि मुझे एक ऐसा बैग चाहिए। चलो, लैपटॉप तो हफ्ते में एक दो बार यूज करती हूँ, तो चलो मैं ऐसा बैग ले लेती हूँ जिसमें ये है कि वो तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा ही चल जाएगा, बस कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए। एक स्टेटमेंट है आपकी? नहीं, ये मतलब मुकर जाती है इनकी कोई भी बात आपको समझ नहीं। कितने का में मिला? और बस अम्मी, इसकी क्या प्राइस थी? 2400। इसकी प्राइस पता नहीं कितनी थी, मैं आपको बताती हूँ। 24 ही थी या 5 होगी शायद। अच्छा, जो भी कोई इतनी भी है। अच्छा, और बस अभी हम लोग स्टाइलो की, अच्छा मैंने फुल आपको ओवरव्यू नहीं दिखाया, उसकी रीज़न ये थी कि अभी हम लोगों को, हमें भी चेक कर रही थी, हमें कोई खास वैरायटी नहीं आई हुई थी ना स्टाइलो की, कोई खास वैरायटी नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो जिस दिन अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं ज़रूर उसका मतलब व्लॉग शेयर कर दूँगी फुल प्राइस के साथ, ताकि ये मतलब अभी हमें खुद भी नहीं अच्छी लगी तो फिर मैंने उसका क्या ओवरव्यू देना था आपको। और बस अभी हम देखते हैं, हम लोग काम पर जा रहे हैं, और उसके बाद अभी स्मेलन नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे। अच्छा, अभी हम स्मेलन के सामने आ गए। अभी स्मेलन की लोकेशन क्या एग्जैक्ट? तलगंग रोड, तलगंग रोड पे रायल कार होम के सामने है, और एम्पोरियम वगैरह से शान माल से थोड़ा सा पीछे है। और बस ये है कि यहाँ की जो दूध वाली बोतल होती है ना, वो बहुत ऐसे बहुत हाई लेवल की होती है। अम्मी ने भी थी, लेकिन ऐसे मुझे बहुत पसंद है रमज़ान में, मतलब कोई भी बंदा अगर ट्राई किसी ने की हुई है तो मुझे उसके रिव्यू दीजिएगा। अभी आती है तो मैं चेक कराती हूँ। और पता नहीं लास्ट अम्मी समर में हमने ली थी ना, अभी पता नहीं क्या प्राइस हुई हुई है, लास्ट टाइम तो 50 थी शायद, अभी आएगी तो पता चलता है। अच्छा, ये हमारी आ गई है स्मेलन की दूध बोतल। हाँ, मतलब लास्ट टाइम जो इसकी वो जो थी ना बोतल, वो प्रॉपर वाली होती थी, कि अब छोटी बोतल इन्होंने कर दी है, और इसकी प्राइस अभी भी 50 है। ये ठीक है, ये चकवाल की रौनक है। अच्छा, अभी तक हमारा कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अम्मी का ये है कि अम्मी ने आज अफ्तारी नहीं की थी, क्योंकि अम्मी ने भले वगैरह अम्मी को उतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, और सालन में हम लोगों ने बनाए हुए थी आज दाल, तो अभी तक रोटी हम लोगों ने नहीं खाई। और पकौड़े तो आपने बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत ही अच्छे क्योंकि आप तभी प्लेट भरी भी पड़ी, तो मुझे भी कह रहे थे। अच्छा, आज अगर आप अल्लाह ताला से परमिशन लेके थोड़ी सी टेस्ट कर लिया करें, बहुत गंदा बना।
आज पता है क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, नहीं नमक नहीं, अम्मी भले अम्मी अम्मी मेरी बात सुने, भले कितने अच्छे बने हुए थे, फ्रूट चाट भी ठीक बना हुआ था। अच्छा आज हमारा पहला रोजा था ना, जिसकी वजह से ये हुआ है कि मैंने जो पकौड़े थे ना वो ऐसे बने हैं भाई, बने बस। तो अभी फिर इन लोगों को मेरी ऐसे कुकिंग पे इतना ज्यादा ऐसे हो रहा है कि इन लोगों ने कहा अभी हम खाना भी नहीं खाना चाहते घर से। तो आप बीच में छोटा सा दगा लगा दिया क्योंकि मैंने चखा ही नहीं है ना यार, आप थोड़ी सी ना गोजा करें। तो अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ये लोग कहाँ जाएंगे, तो फिर जब ये लोग कुछ खाएंगे तो थोड़ा बहुत हम भी खा ही लेंगे। पहलवान मोस्ट प्रोबेबली हमें है ना, अगर पहलवान अभी हमें पता नहीं है रमज़ान में ओपन है या नहीं है, अगर ओपन है तो वहाँ से हम लोग चावल चने वगैरह लेंगे, अदरवाइज रात से शवारमा जो भी होता है तो उसमें से 200 के 5 शवारमा होता है हाँ वो तो मिल जाओ। तो बस वो लेके अभी फिर अभी हम चेक कराते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी पहलवान जो है वो बंद है और बस हम रात से बनवाते हैं। छप्पड़ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सुनसान हुआ है। अच्छा ये के ये छप्पड़ बाजार, अभी हम लोग रात पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग चीज शवरमा ले रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी को इनका शवरमा सिर्फ पसंद है, लेकिन ये कि हम लोग तो काफ़ी डिफरेंट जगहों से वैसे खाते रहते हैं, और ये कि इनका अफ्तार स्पेशल लगा हुआ है। रुके मैं आपको फ्रंट कैमरा से चेक कराती हूँ, सॉरी बैक कैमरा से, फ्रंट साइड पर लगा हुआ है इनका। हाँ ये रात अफ्तार स्पेशल हमने ट्राई नहीं किया, मैं तो अभी आई हूँ तो मैंने कहा चेक कराती हूँ आप लोगों को भी, है ना अम्मी अफ्तारी के लिए चीज़ें हैं ना, कचौरी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, अब ये यहाँ लगाते होंगे ना अभी हाँ शाम टाइम। और ये सारे चार्जेस हैं जो लार्ज शवारमा है ना, लार्ज चीज़ शवारमा उसकी प्राइस है 170, स्मॉल की 140, हम चीज़ वाला मंगवा रहे हैं 170 ईच होगा, और ये स्मॉल प्लेन ये चार्जेस हैं, और ये सेपरेट काउंटर लगा हुआ है। और मेरी जो बहने हैं वो ये जो बुरजान है ना इसके नीचे 50-50 सेल लगी हुई है ऐसे उस पर इतनी एनर्जी इन दोनों की आई हुई है रोज़ा अफ्तार करने के बाद भी कि मतलब ये दोनों उसको चेक करने गए हुए हैं। लास्ट टाइम भी हम आए थे लेकिन ये है कि बस इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा मैंने बताया था मेरी बहने गई हुई है 50 वाली सेल पे, ये आप ये लाए हैं? हाँ यार मैं ये लाए हूँ। नहीं तो ये क्यों तुम लाई हो? पहले मैं बस ये वाला था ना, तो अब मैं सोच लूँ कि मैं थोड़ा अमेरिका से हटना चाह रही हूँ। ओए अल्लाह तो इस वजह से मतलब यार आप इतने मोटिवेट हो गए। आई वांट टू कीप वाचिंग। अब आप इतनी मोटिवेशन पे आ गए अब ये लें। यार ये वैसे मुझे इसके कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं बट स्टिल बस ये अभी तुमने उठाना भी है इसको है अभी फिलहाल ये इनको मैंने आपको बताया ना कि जैसे स्टेटमेंट्स बदलती है ना, छोटा लैपटॉप लेना है, बड़ा लैपटॉप ले, लैपटॉप के लिए बैग लेना है, कुछ टाइम है आप दोबारा इसे उठाते हुए मैं देखूंगी आपको। चलिए अल्लाह ताला इनको अगर महंगा होता तो मैं जरूर उठाती हूँ, 50 रुपए का तो इसका महंगा सकता हूँ। ये आपकी सिर्फ मोटिवेशन, मैं 1000 वाला ले हूं अब देख लो मेरे बाबा आगे, वो दूसरा तुम्हारा अच्छा है ना, ये 4000 ले आते हैं लाना है तो जान 1000 वाला फिर ले पकड़ के बाद 1000 वाला ले 50 रुपए दे के न्याय से मिल गया। मैंने अपनी बड़ी बहन को भी अपने साथ परचेज करा दिया है, ये मेरी बहनों को फौरन से किसी चीज की अच्छे मोटिवेशन लाइट वेटेड है, और दूसरा ना मुझे पिंडी से महंगा मिला था ये वाला 400-500 का मैंने दिया था वहाँ से, यहाँ से 50 का सोच रही हूँ 10-15 ले बस खत्म ना हो जाए, इतना जोश नहीं डालना आपने। और बस अभी हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। से ये बोले मैंने कितने का लिया था, हुंजा चाहिए हाँ। कितने का हुंजा से 250 का। आपको और कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती भी, आप इसी चीज़ को ऊपर लगे रहते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ की आदत हो गई बस अब घर जाना है। और बस अभी हम लोग 15 चौक पे आ गए हैं, अभी हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ बोल दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।